गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया था पिछले वाले वीडियो में। नाम क्या था उसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। फ्रेंड किसको बोलते हैं? मित्र को, और फोई बोलते हैं दुश्मन को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, वो हमारे मित्र भी हैं और दुश्मन भी हैं। ये सब हमें इस चैप्टर के अंदर रीड करना है। फर्स्ट डेफिनेशन थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो पहले वाले वीडियो में बोल चुकी है। हमने पढ़ा था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट तरह के होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इनको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन में हो गया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाइड कर रखा था। जैसे फर्स्ट क्या था? बैक्टीरिया, फिर एल्गाई, फिर प्रोटोजोआ, वायरसेस। इस तरह से अलग अलग जो है इनके ग्रुप्स थे वो हमने क्लासीफाइड कर रखे थे। उसके बाद हम पढ़ते थे सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया था तीन के अंदर, बैसिलस के अंदर, स्पायरल के अंदर और रोड शेप के अंदर। तीन तरह से होता है ये। फिर बैसिलस का हमने नेक्स्ट टाइम भी यूज कर दिया था कि जो लैक्टो बैसिलस होता है या फिर सिर्फ बैसिलस, वो किसके अंदर यूज होता है? दही को बनाने के अंदर यूज होता है, उसकी फॉर्मेशन करने के लिए यूज होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसका फर्स्ट यूज था, जो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया था। आगे नेक्स्ट के अंदर वो बोलता है रिजोबियम। जो रिजोबियम है वो भी क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया ही है। क्या है उसके अंदर? इट इज अ बैक्टीरिया। यह भी एक बैक्टीरिया ही है। विच हेल्प इन फिक्सेशन। फिक्सेशन बोलते हैं फिक्स कर देने को या फिर स्थिर कर देने को। स्थिर बोल सकते हैं या फिर स्टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिक्सेशन मतलब कि इसको स्थिर कर देता है, स्टेबल कर देता है। किसको स्टेबल कर देता है? ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती है ये, और ये सोयल फॉर्मेशन के लिए अच्छी होती है, और ये सोयल को क्या बना देती है, मतलब इस तरह से बना देती है जिससे जो हमारी जो क्रॉप होती है वो क्या होती है, हमारे लिए यूजफुल होती है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको जो मिट्टी के अंदर फिक्स करने का काम है, उसके अंदर जो स्टेबल करने का काम कौन करता है? ये बैक्टीरिया ही करते हैं। और कौन से बैक्टीरिया करते हैं? रेजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। आगे नेक्स्ट इसी के अंदर है, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको ये क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट कर देना और या फिर बदल देना एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। जो हमारी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है मतलब हमारे एटमोस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, उसको ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो बदल देते हैं। किसके अंदर बदल देते हैं? इंटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं वो बदल देते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको नाइट्राइट्स के अंदर और नाइट्रेट के अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। इस कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर उसी के अंदर आगे है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई। जो हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप्स पढ़े थे ना, कि जो बैक्टीरिया होता है एल्गाई होता है, और क्या था? प्रोटोजोआ हो गया, वायरसेस हो गया, ये सब जो थे उसी के अंदर था ये एल्गाई। तो वही है जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गाई है। एनरिच, एनरिच किसको बोलते हैं? इंक्रीज करने को बोलते हैं, इंक्रीज या फिर बढ़ाना, बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? पोषक तत्वों को बोलते हैं, पोषक तत्व। जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो बढ़ा देते हैं कौन? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई। और स्पेशली, स्पेशली मतलब कि स्पेशल या फिर विशेष रूप से, विशेष रूप से किसको बढ़ा देते हैं? नाइट्रोजन को, जो हमारी फसलों के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होते हैं वो हमारी नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको क्या कर देते हैं? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर रेजोबियम भी होता है, और वो क्या करते हैं? हमारी जो फील्ड होती है उसके लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। बैक्टीरिया के अंदर इतना ही है। आगे नेक्स्ट है फंगाई।
जो मरे हुए मैटर से या मरे हुए सब्सटेंसेस जो इससे जो अपना भोजन होते हैं वो प्राप्त करते हैं, उस तरह के न्यूट्रिशन को या फिर उस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट पैरासिटिक है, पैरासिटिक के अंदर भी ऐसे ही होता है, वो क्या करते हैं कि जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं लेकिन इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है जो मैटर है वो मरा हो बिना उनको मारे। सेप्रोट्रोपिक के अंदर होता है जो मरे हुए मैटर से लेते हैं, लेकिन पैरासिटिक के अंदर होता है वो मरे हुए मैटर से नहीं लेते, वो जिंदा होते हैं और जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन या उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बोलता है जो फंगाई है वो क्या है, दोनों ही होते हैं, सेप्रोट्रोपिक भी होते हैं यानी मरे हुए मैटर से भी, डेड और डिकेइंग मैटर से भी भोजन ले सकते हैं, और पैरासिटिक यानी कि जो अलाइव है जो जिंदा है उनसे भी वो अपना भोजन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट है फंगाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स या फिर डायरेक्ट भी हम इनको बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। दैट स्पॉइल, स्पॉइल जिसको बोलते हैं नष्ट कर देने को, दैट स्पॉइल आवर मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स, जो हमारे खाने की जो चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफ जो खाने की चीज़ें होती हैं वो किसकी वजह से खराब होती है, इस फंगाई की वजह से ही खराब होती है। जैसे अब ह्यूमिडिटी वाले मौसम में या बारिश के मौसम में कभी कभी क्या होता है जो ब्रेड वगैरह के ऊपर जो फफूंद आ जाती है वाइट कलर की, या फिर कई बार जो हमारी सब्जी होती है वो खराब हो जाती है वाइट कलर के, उसके ऊपर डॉट से बन जाते हैं ना कॉटन की तरह, वो फंगाई ही होती हैं। फंगाई क्या करते हैं, जो हमारा भोजन होता है उसको वो क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसके अंदर फंगाई आर नॉन ग्रीन प्लांट, यानी कि ये प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, स्पॉइल मतलब खराब कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द फूड आइटम, लगभग जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो किसकी वजह से खराब होते हैं, इन फंगाई की वजह से ही खराब होते हैं। उसके बाद फंगाई के अंदर क्या है, ये हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसको खराब भी कर देते हैं और उसके कुछ यूजेस भी हैं। फंगाई के अंदर भी एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है, ईस्ट आता है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल होता है। जो वाइन जो एल्कोहल बनाने के अंदर जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट जो होता है वो एक फंगाई होता है जो हम यूज करते हैं वाइन वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा जो बेकरी के अंदर यूज करते हैं ना, बेकरी कौन सी जिसके अंदर हम ब्रेड बनाते हैं या फिर केक वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर जो फ्लफीनेस होती है जो स्पंज बनते हैं वो भी क्या बनते हैं, ईस्ट की वजह से ही बनते हैं, जो क्या है एक फंगाई ही है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो फंगाई होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रोपिक होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या होते हैं, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनको जो खराब करते हैं वो कौन करते हैं, वो फंगाई ही करते हैं। उसके अलावा खराब करने के अलावा भी इसके कुछ यूज होते हैं, जैसे ब्रेड और बेकरी के अंदर जो बेकरी होती है जिसके अंदर ब्रेड और केक्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर जो स्पंज होती है जो फ्लफीनेस आती है वो इस चीज़ की वजह से ही आती है। और ये क्या करते हैं, शराब बनाने के अंदर वाइन बियर अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए ईस्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इसके अंदर सेकंड डेफिनेशन है हमारे चैप्टर की फर्मेंटेशन, राइट डाउन करनी है।
फर्मेंटेशन। मैंने अभी बताया था कि जो ईस्ट होते हैं वो यूजेस होते हैं, यूज़ करते हैं हम अल्कोहल वगैरह वाइन बियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो बियर और वाइन या अल्कोहल बनाने वाली जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और क्या लिखेंगे उसके अंदर? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। प्रोसेस किसको बोलते थे? प्रक्रिया को। कन्वर्जन मतलब बदलना। कन्वर्जन ऑफ शुगर, जो शुगर होती है उसको एल्कोहल में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये किसकी हेल्प से होती है? ईस्ट की हेल्प से होती है, जो कि क्या है? एक तरह का फंगाई ही है। ठीक है, ये जो सेकंड डेफिनेशन आपने अपनी